दोस्तों, यदि आपके यहाँ बाढ़ आती हो या कभी आप बाढ़ में ट्रैप हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपने घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी जान को बचाना है, तो इस वीडियो को पूरी देखें, आपको इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपका ये भय भी खत्म हो जाएगा कि बाढ़ में दिखाया जा रहा है। ये इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस है, किसी भी कहीं बाढ़ के क्षेत्र में किसी भी रिस्क के दौरान अगर हमारे पास कोई संसाधन उपलब्ध ना हो तो हम लोकल रिसोर्सेज से जो सामान हमारे घर में हमारे आसपास पाए जाते हैं उनके माध्यम से हम उनको बना करके अपनी जान को बचा सकते हैं। एक कहावत ऐसी भी कही जाती है कि डूबते को तिनका का सहारा। ये बोतल पैक जो है, ये बोतल आपके घरों में अमूमन मिलता है, पेप्सी का बोतल हो, पानी की बोतल हो, जो क्या करते हैं हम कूड़े के तौर पे इसको इस्तेमाल कर कूड़े के तौर पे फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इसको संभाल कर रखेंगे तो आप बाढ़ के दौरान अगर आपके घर में, आपके गांव में, आपके इलाके में पानी घुस जाता है तो आप इसे बच सकते हैं। इस बोतल का ढक्कन को बंद कर दिया जाए और अगर आपके पास जाल उपलब्ध न हो या जाल आप न बना सकें तो अपने रस्सी के माध्यम से इसको बुन करके दो सारणे बना लें। एक बोतल कम से कम 8 केजी वजन जज करता है। अगर किसी भी विक्टिम का वजन 80 केजी हो तो ऑलरेडी वो पानी में डूबने के बाद 40 केजी का हो जाता है। मींस यदि अगर आप 1 या 2 लीटर का बोतल 5 बोतल रखते हो तो एक बॉडी को जज करता है। इसके अलावा अमूमन हमारे घरों में चावल वगैरह बनाने के लिए जो अल्मोनियम का पतीला होता है उसको हमने ऊपर से इस तरह से प्लास्टिक से बांध देना है। प्लास्टिक मजबूत होना चाहिए और हमने इस तरह से प्लास्टिक से बांध देना है कि वो उसके अंदर पानी न जाए, और 2 छोटे छोटे बम्बू के सहारे उसको बांध देना है और उसको पानी में डाल करके आपने अपने अपने पेट पेट के ऊपर इसके ऊपर लेट जाना है। तो ये भी क्या है, आपको डूबने नहीं देगा। ये भी आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अमूमन हमारे पास हमारे घरों में होता है। आपके सामने एक लाइनदार बोतल, 5 बोतलों की लाइन बनी हुई है जिसको एक बेल्ट के तौर पे अनभिज्ञ आदमी जिसको कुछ भी पता न हो इसको एक बेल्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। ये भी 80 केजी तक के वजन को पानी में जज्ब करता है, मतलब अगर 80 केजी का भी हो तो उसके वजन को पानी में सहन कर सकता है। सहन करने का मतलब उस विक्टिम को पानी में डूबने नहीं देगा। अगर आप जाल की तरह उसको नहीं बना सकते तो ये बनाना बहुत आसान है। 2 रस्से लेने हैं। सबसे पहले आपने बोतल के ढक्कन को बंद करना है, 2 रस्से लेने हैं और दोनों तरफ से आपने इसको इस प्रकार से बांध देना है कि बोतल एक के साथ एक लाइन बन जाए, और उसी रस्से को बाहर निकालकर अपने कमर में बेल्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लेना है। और आप जहां मर्जी पानी में छलांग लगा दो या आप पानी में बह रहे हो तो आपको डूबने नहीं देगा। उसी प्रकार से पाइप जो अमूमन सबके घरों में होती है जिसके माध्यम से आपके यहाँ पानी का जो रिसोर्सेज होता है वो बहता है या निकलता है, आपने उसको भी अगर रखा है काट करके तो आपने इसके दोनों सिरे को बंद कर देना है। और एक लकड़ी के माध्यम से, अगर आपने एक लकड़ी इसके ऊपर से बांध दिया तो इसके दूसरी लकड़ी इसके अपोजिट में बांधे, और बांध करके आप इसके ऊपर लेट करके या कोई छोटा मोटा बच्चा हो तो उसको आप इसके माध्यम से लेटा करके उसको आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से पेप्सी का जो बोतल है और जो पेप्सी के डब्बे जो आते हैं ये भी पानी में तैरते हैं, ये भी पानी में डूबते नहीं है। अगर आप अवेयरनेस है, अगर आपको जानकारी है तो आपने इन डब्बों में पेप्सी के बोतलें जो प्लास्टिक या प्लास्टिक की लोकल मेड बोतल जो आपके घर में अमूमन अगर नहीं मिलता है तो मसाले के डब्बे वगैरह भी होते हैं उनको भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और ये पानी में ये भी नहीं डूबेगा। इसमें पेप्सी के दो सांचे लगे हुए हैं और दोनों को एक साथ ज्वाइंट किया हुआ है और इसके बीच में बोतल रखकर इसको इस प्रकार से बांधा गया है कि ये खुले ना, ये आपस में खुले ना, ये जुड़े रहे। इसके अलावा में जो पैकिंग मटेरियल होता है, अमूमन हम टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि को खरीदने के बाद जो उसके साथ जो मटेरियल आता है, जैसे जो गत्ते आते हैं, जो अंदर से जो फोम के गत्ते होते हैं, उसको हम क्या करते हैं अमूमन या तो बाहर में या कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी हो तो थर्माकोल भी आपको आपकी लाइफ को बचा सकता है, आपके परिवार की जिंदगी को बचा सकता है। सिर्फ आपने उस थर्माकोल को संभाल रखना है और जरूरत पड़ने पर आपने उस थर्माकोल को बांध लेना है और वो थर्माकोल भी आपको डूबने नहीं देगा। इसके अलावा जो हमारे केले के तने हैं, जो 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 केला का तना होता है
उसको भी अगर आपके यहाँ है तो उसको काट करके आपने उस केले के तने के ऊपर भी जरूरत पड़ने पर उसको भी पकड़ करके आप, वो भी आपको डूबने नहीं देगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके जो लोग दुनिया में हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं और असहाय होते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।